नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है, और छुपी हुई खबरों को सामने लेकर आते हैं हम हर रात 9 बजे। मौन रहने के आरोपी डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जब राज्यसभा में मुखर हुए तो पूरे देश ने सुना। पूर्व पीएम बोलते रहे और मौजूदा पीएम सुनते रहे। उन्हीं के जुमलों से उन्हीं पर वार किया, मानो हर तीर निशाने पर लगाने की कोशिश। तोहमतों की बारिश से झल्लाई सत्ताधारी पार्टी ने पुराने दिनों की याद दिलाई। लेकिन सत्ताधारी पार्टी क्या करें, उसी के लोग आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखाने की कोशिश जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की तो लोकसभा में कुछ सांसदों ने ऐसी मर्यादा तोड़ने की कोशिश की कि स्पीकर को भी बोलना पड़ा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस रूरा कुश्ती से इतर सरहद पर जवानों की जांबाजी से पाक बौखला उठा है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाला जुमला सच साबित करते हुए भारत को चेतावनी दी है पाकिस्तान ने। क्या दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। हजार के पुराने नोट अब आप अपने बैंक्स में नहीं बदलवा सकेंगे। पहले ये समय सीमा 30 दिसंबर तक की गई थी, लेकिन सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, 500 के पुराने नोट रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी अस्पताल और पेट्रोल पंप पर 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन अब बैंक्स में रुपयों की जो अदला बदली हो रही थी, जिसके लिए लंबी कतार लग रही थी, वो नहीं लगेगी। आपके पास अगर पुराने नोट हैं तो आप बैंक में जमा कराइए और उसके बाद निकलवाइए। पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है जो इस वक्त चल रही है। बहस के दौरान हंगामे के चलते राज्यसभा स्थगित होने के बाद आज पीएम ने यह फैसला किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है उनकी तरफ से बार बार की जाने वाली सांसदों की कक्षाओं के लिए। बीजेपी अपने सांसदों के कई दल बनाकर उनको अब नोट बैन की जो फायदे और नुकसान है उनके बारे में बता रही है। मंत्रियों को बाकायदा लगाया गया है जो सांसदों को इसके फायदे बता रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सांसद जनता से सीधे रूबरू होकर इसके फायदे पहुंचाएं। इसको लेकर आज शाम केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के यहां बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेता अमित शाह और सांसद लगातार एक के बाद एक पहुंचे। 2.5 साल में दूसरी बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में बोले और नोटबंदी पर सरकार की एक के बाद एक गलतियां गिनाई। उन्होंने कहा, बद इंतजामी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। 50 दिन बेहद पीड़ादायक होने वाले हैं, जीडीपी गिर जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि घोटालों की सरकार के मुखिया अब नसीहत बांट रहे हैं पलटवार करते हुए। जी हां, अरुण जेटली साहब ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बोला। क्या बिहार की महागठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव जहां नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीते 4 दिनों में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से 2 बार बात की है। बाहुबली शहाबुद्दीन और हत्या का आरोपी रॉकी यादव के बाद अब बिहार में बलात्कार के एक आरोपी आरजेडी के विधायक राजवल्लभ यादव भी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और देखिए, इस आधुनिक युग में वास्तु दोष के कारण मुख्यमंत्री तक अपने घर बदलते हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 50 करोड़ का नया बंगला बनवाया है। 9 एकड़ में फैले इस बंगले में 300 पार्किंग स्पॉट हैं, ऑडिटोरियम और 250 लोगों के लिए एक साथ बैठने वाला थिएटर भी है। इस घर का हर एक हिस्सा वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव पैदा कर रहा पाकिस्तान अब युद्ध की धमकी पर उतर आया है। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ सुहेल अमन ने कहा है कि भारत सीज फायर को युद्ध में तब्दील न करे। वहीं भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर बंद करने की सलाह दी है। शहीद शशांक सिंह और शहीद मनोज कुमार कुशवाहा को गाजीपुर के उनके पैतृक गांव में और शहीद प्रभु सिंह को जोधपुर में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन और सेना के अधिकारी मौजूद थे। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, आपने तो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब आमिर खान सुनाने जा रहे हैं।
और दंगल जो उनकी नई फिल्म आने वाली है उसका ये गाना है जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है लेकिन एक एनजीओ ने गाने के बोल पर आपत्ति जताई है। इस विरोध के बाद ये सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत की, जहां देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि पहुंचते हैं। जी हां, राज्यसभा और लोकसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा रही। राज्यसभा में नोटबंदी के फैसले को आम आदमी के लिए त्रासदी बताते हुए पीएम मोदी पर करारा वार किया। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इससे देश की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहने के बड़े मायने हैं, क्योंकि देश के माने हुए अर्थशास्त्रियों में अगर फेहरिस्त में अगर पहले नंबर पर कहें उनकी गिनती होती है तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी आए, दिन भर सदन में हम लोगों की बात सुने। एक्स प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू स्पीक समथिंग। नो प्रॉब्लम, हु इज ऑब्जेक्टिंग? कांट से आई विल होल्ड अप द डिबेट but give to the opposition a special opportunity to speak. That is something you are not accepting. Former Prime Minister of this country has stood up. He wants to speak. Please take a seat. I allowed him. Take a seat. I allowed him. I allowed him. Manmohan Singh ji ka izzat karte hain. We can have discussion now. Okay. Okay. किसको चाहिए बुलवाइए? पूरा विपक्ष एक मत है कि प्रधानमंत्री जी हाउस में आए और तब इसके पर डिबेट शुरू होगी और उनको पूरे समय तक बैठना। लेकिन जी मैं क्या करूं? सदस्यों की बात सुननी चाहिए। मैं क्या करूं? उनको जवाब देना चाहिए। हाउस इज एडजॉइंड अप टू 12:00 ऑलवेज। तो आखिरकार वो आ ही गए। जिनकी गैर मौजूदगी विपक्षी दलों का सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। पहला सामना उसी शख्स से हुआ जिनके शासन पर ढेरों सवाल खड़े कर वो पीएम के पद तक पहुंचे थे। बारी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बोलने की थी, जिनकी खामोशी भी पिछले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। पीएम मोदी के पास अपने पूर्ववर्ती को सुनने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इन द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट हैज बीन अंडरटेकन। I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. What has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks but they are not allowed to withdraw their money. डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद सामने आए समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल। पीएम पर हमला करने में वो भी पीछे नहीं रहे, लेकिन अपनी चुटीली बातों से पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को खिलखिलाने का मौका भी दे डाला। लेकिन तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने सत्ता पक्ष को नसीहत दी कि जो लोग आपकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी कहना बंद कीजिए। जो भी सत्ता में होता है, जो भी पद पे होता है, प्रशंसा उसको बहुत अच्छी लगती है। मैंने देश में बहुत प्रधानमंत्री देखे, इमरजेंसी लगी थी उस समय भी जितनी रिपोर्ट आई थी वो सब इंदिरा जी के पास यही रिपोर्ट आई थी कि इमरजेंसी में जनता आपके साथ है और चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन 77 में रिजल्ट क्या हुआ हम सभी ने उसको देखा। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का भी नारा लगते देखा। श्रीमन चाटुकारता वहाँ पर से भी मैंने देखी और प्रशंसा जब चाटुकारिता में बदले तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्रधानमंत्री जी, जब आप भावुक होकर जनता में ऐसा भाषण देने लगते हैं कि लोग मुझे मार देंगे, जला देंगे, तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती। आप उत्तर प्रदेश में निश्चिंत घूमिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतना बढ़िया, आपको कोई छुएगा।
साइलेंस। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को जान पर खतरा हो सकता है तो फिर पाकिस्तान से कौन सुरक्षा हमारी करेगा? एनीवन हु अपोजेस योर पॉलिसी इज नॉट फॉर ब्लैक मनी, एनीवन हु अपोजेस योर पॉलिसी इज नॉट एंटी नेशनल। व्हाई आर यू गिविंग अस दीज लेक्चर्स ऑन corruption and black money? We oppose. We are opposing you because people are suffering. We are opposing you because we believe the economy will be killed. भोजनावकाश के बाद सदन में मायावती ने पीएम मोदी के सर्वे पर सवाल उठाया तो दूसरे विपक्षी नेता पीएम मोदी की गैर मौजूदगी से भड़क उठे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की नीयत पर ही सवाल उठा डाले। माननीय प्रधानमंत्री जी तो सर्वे कराते हैं और सर्वे करा के कल मीडिया में दिखाते कि 90% जो जनता है उनके फैसले के पक्ष में है, लेकिन वो सही बात तो ये है कि पूरे देश में 90% जो जनता है वो दुखी है। यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका सही है या नहीं है। सर, सर, हमें उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे और उत्तर भी देंगे। हमने ये भी पूछा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं, और यदि अगर सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं तो तब सदन नहीं चलेगा, और यदि अगर यदि नो दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सर आप रिकॉर्ड देखिए। मुझे शक था और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है और अब भागने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रहा है। चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए, प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। ये कोई परंपरा नहीं है। 15 घंटे चर्चा चलेगी तो वो 15 घंटे। लोकसभा की कार्यवाही भी नोटबंदी पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के दौरान सपा सांसद अक्षय यादव ने भी स्पीकर पर कागज का टुकड़ा फेंक दिया, जिस पर उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। लेकिन आज सबकी नजर राज्यसभा की कार्यवाही पर रही, जहां मौन रहने का आरोप झेल रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम मोदी के खिलाफ बेहद मुखर रहे। वो एक अलग बात है कि आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति के बीच भी देश और विपक्ष ने प्रधानमंत्री को नहीं सुना, यानी संसद में चल रहा ये गतिरोध अभी भी खत्म होने वाला नहीं है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। यानी आने वाले दिनों में नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में और हंगामा होते हुए हम देखेंगे। बहरहाल लोकतंत्र में जन मन को माना जाता है सरकार के हर फैसले का आधार। देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी पर जनता की राय को अपनी विजय बता रहे हैं, हालांकि संसद में जनता के प्रतिनिधि ही बैठते हैं। लेकिन विपक्ष नोटबंदी पर पीएम के सर्वे को कटघरे में खड़ा कर रखा है। सवाल यह है, क्या इस सर्वे को जनमत माना जा सकता है? संसद ठप है और विपक्ष लगातार हमलावर। सरकार अपने फैसले पर अटल है तो जनता नोटबंदी को परखने की कसौटी बन गई है। लेकिन जनता के मूड पर सबके अपने अपने दावे हैं। 22 नवंबर की दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप जारी कर लोगों से नोटबंदी पर 10 सवाल पूछे। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने ये सवाल पूछे। सिर्फ 24 घंटे के भीतर तकरीबन 5,00,000 लोगों ने इस सर्वे पर अपनी राय दी। 93% लोगों ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। 2% ने कहा सरकार का फैसला बेहद खराब है। वहीं 92% लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की कोशिशें बेहद अच्छी है। नोटबंदी से हो रही असुविधा के सवाल पर 45% लोगों ने कहा कि फैसले से कोई तकलीफ नहीं है, जबकि 48% लोगों ने कहा कि दिक्कत तो हो रही है लेकिन एक बड़े कदम के आगे ये मायने नहीं रखती। 86% लोगों का मानना है कि कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने में इससे मदद मिलेगी।
इस सर्वे में 24 घंटे में 2000 लोकेशन से लोगों ने जवाब दिए। हर मिनट तकरीबन 400 लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया और 93% जवाब भारत से ही आए, 7% विदेशों से। सवाल ये है, क्या इस सर्वे को जनमत करार दिया जा सकता है? 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या जून 2016 तक 37 करोड़ है, यानी मोबाइल ऐप के जरिए कराया गया सर्वे भी 20% से ज्यादा आबादी तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे में विपक्ष ने सवाल किया कि क्या इस सर्वे को ग्रामीण भारत की राय माना जा सकता है। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 2,48,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वहीं फेसबुक पेज पर 3,75,00,000 के करीब। इस लिहाज से जिन लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया उनकी संख्या काफी कम है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप ये है कि नोटबंदी पर सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी और इस सर्वे में सरकार की तैयारी को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया। सर्वे में हिस्सा चाहे सरकार के समर्थकों ने लिया या विरोधियों ने, इतना तो साफ है कि जवाब देने वाले लोग सरकार के साथ खड़े नजर आए और जनता के इसी मूड को पीएम मोदी अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जनता की आ रही परेशानियों का समाधान जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है। याद होगा आपको 1991 आर्थिक उदारीकरण का दौर था वो, और नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला उससे भी बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरह उदारीकरण को लेकर सवाल उठाए गए थे, ठीक उसी दौर से देश एक बार फिर गुजर रहा है और उदारीकरण के सूत्रधार रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही नोटबंदी के फैसले को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये विपक्ष की जरूरत है या फिर देश के सबसे बड़े आर्थिक चिंतकों में से एक माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत राय? जवाब दोनों का ही भविष्य के गर्भ में है। अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का क्या प्रभाव होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन तब तक इस फैसले को जनता जनार्दन की कसौटी पर ही परखा जा सकता है। और जनता की राय पर लोकतंत्र के दावेदार भी आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संगठित लूट बताया और ये भी कहा जीडीपी 2% कम हो जाएगी। क्या वाकई आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल होने वाला है? हम समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, जब वापिस आएंगे तो आपको हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इससे जीडीपी कम होगी, कैसे सरकार आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी, क्यों इतने बद इंतजामी के आरोप लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले बीबीसी से सुर्खियां इंटरनेशनल। स्वागत एक बार फिर से आपका। देश की संसद में आज जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करें, उससे पहले आपको बता दें कि इराक में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 80 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। ट्रक में ये ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार देश और दुनिया के हर हिस्सों से जिस तरह से ब्लास्ट की खबरें आती हैं परेशान करने वाली, मृतकों में अधिकांश ईरान के शिया तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस लगातार दुनिया में आतंकवाद को किस तरह से पनाह दे रहा है उसका एक और इराक में आज धमाका, बताएंगे आपको इस खबर से जुड़ी हुई और भी जानकारियां। लेकिन इस वक्त रुक करते हैं देश की संसद में आज जो कुछ हुआ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा नोटबंदी देश की विकास दर को 2% तक गिरा सकती है, किसानों और छोटे उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है, गरीब वर्ग के लिए 50 दिन काफी भारी पड़ने वाले हैं। उनका कहना है पीएमओ वित्त मंत्रालय और आरबीआई के फैसले को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। तो क्या वाकई नोटबंदी आर्थिक मंदी के संकेत दे रही है? अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार उसका सामना करने के लिए तैयार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सर्वे से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में 5,00,000 लोगों ने अपनी राय दी है और तकरीबन 93% लोग फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये एक फिक्स गेम नजर आ रहा है।
इस बीच आज सरकार ने बड़ा फैसला ये भी लिया कि नोट अब बदले नहीं जाएंगे। तो सवाल ये भी है कि पिछले 16 दिनों से क्या नोटबंदी पर पीएम के सर्वे पर जनता की राय को सही मानना सही है? और सवाल ये भी है कि इस वक्त जो कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है कि टैक्स लॉ में अमेंडमेंट की खबर भी आ रही है, हाल अभी अभी ये खबर आ रही है, इससे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको देंगे और उससे क्या होगा। लेकिन आज जो कुछ देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा, उसके बाद देश के वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा, उसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान संजय झा कांग्रेस से, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार, सुदेश वर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय झा, ये कैसे संगठित लूट नजर आ रही है आपको? देखिए, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब उन्होंने आज संसद पर खुद ही कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें तो ये खुलेआम जो भी चाहता था जानने के लिए गहराई में कि इसके पीछे रहस्य क्या है, वो समझ सकता था कि जब आपका इन सारे करेंसीज में सिर्फ काला धन 3-4% हो, तो आप इसमें इस तरीके से डीमोनेटाइजेशन ला रहे हैं, तो आपने आम आदमी को तो तबाही पे डाला। उनकी परेशानी, उनकी मुसीबत, उनकी जो भी आज उनकी तकलीफें हैं, वो खुद ही उसको झेल रहे हैं। 80-85 लोग मर चुके हैं। अब ऐसा हाल है इस देश का। लेकिन जो लोग काला धन सचमुच जिनके पास है, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो तो बच गए, उनके पैसे विदेश में रखे हुए हैं। और जहां पर मोदी जी को जड़ पर जिनको रोकना था, जहाँ पर मान लीजिए कि जायदाद को लेके, संपत्ति को लेके, सोना चांदी को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, वहां पर मोदी जी चुप्पी बैठे हुए हैं। तो सच्चाई तो यही है कि बड़े बड़े जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो बच गए, और जो आम आदमी है। अली अनवर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, आपका भी स्वागत है अली अनवर साहब। मैं आपसे ये समझना चाहते हैं संजय झा साहब, कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि 2% जीडीपी कम हो जाएगी, तो उसकी बेस क्या है, कैसे कम होगी जीडीपी, ये बताइए, जनता ये समझना चाहती है। देखिए, आप इस बात को समझिए अमीना जी, कि उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि ग्रोथ ऑफ जीडीपी 2% कम हो जाएगा। सबसे पहली बात ये इस बात का स्पष्टीकरण करना अहम है। दूसरी बात ये कि ये समझिए कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैश को लेके जो सौदा होता है, जो अंत में जो लेन देन होता है, वो लगभग 85% तक है। तो यहाँ पर कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है या पेटीएम कार्ड्स हैं? आप देखिएगा तो भारत में आज भी लगभग 65-70% लोग बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, और 400 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब ऐसे लोग जो कैश को लेके, जिनके हाथ में, जो लोग क्यू में खड़े थे, क्या वो काला धन, क्या वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? क्या वो काला धन का उन पर आरोप लगाया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग कहते हैं? तो उनका, उनकी तो जिंदगी, उनकी व्यापार, उनकी जो कहते हैं लाइवलीहुड, पर इस तरीके से इन्होंने एक पाबंदी लगा दी है कि लोगों का हालत इतना खराब हो चुका है कि लोगों की जान चली गई है। आज बेरोजगारी जान जा रही है। पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, संसद में एक सुर में बोल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। अली अनवर साहब, उसकी क्या वजह है? उनको ये परेशानियां जनता की लगता है जल्दी ही सुलझ जाएगी, समाधान हो जाएगा? देखिए, नीतीश जी ही नहीं, सभी दलों ने, कांग्रेस ने भी और दूसरे दलों ने भी, एकाध दलों को छोड़ करके सभी दलों ने ये कहा है कि भाई काला धन वापस निकालना चाहिए। लेकिन इस लेकिन के बाद सारी बातें शुरू होती हैं कि बिना तैयारी के, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने यही कहा कि बिना तैयारी के आप इतना बड़ा कदम उठा लिए, जिसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा रहा है। पूरे देश में एक अफरा तफरी की स्थिति है, और गरीब लोग, मजदूर, किसान, आम लोग परेशान हो रहे हैं,
और आपने देखा कि उस परेशानी का सबब देखा कि 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक जी। ये कोई कालाबाजारी है, सटोरी है, और ये कोई कारपोरेट वाला तो नहीं था, ये गरीब लोग हैं जी, आम लोग हैं, ये मजदूर किसान हैं, किसी की इलाज के बिना मौत हुई, किसी के बेटी की शादी नहीं हो सकी, किसी के और कुछ भूख से कोई मरा, तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो इसको किसी ने नीतीश कुमार जी या किसी ने इंडोर्स, आप देखिए हम लोग सब लोग जब सभी अपोजिशन एक कुमार भी इस फैसले के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार को भी लगता है फैसला सही नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? अरे भाई ये नीतीश कुमार जी के बगैर निर्देश के, और बिना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, बिना निर्देश के सब पार्टी के सांसद कल हम लोग खड़ा हुए। सुदेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पूरा विपक्ष, पूरा देश एक सुर में कह रहा है सरकार ने तैयारी नहीं की थी। सुदेश वर्मा जी, क्या वाकई सरकार भी महसूस कर रही है कि जिस कोर टीम ने, जिन लोगों ने ये फैसला लिया, वो आकलन नहीं कर पाए कि जमीन पे इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे लोगों की लंबी कतार लगेगी, कैसे लोग दिन, जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो आम आदमी हैं, वो अपना काम नहीं कर पाएगा और कतार में खड़ा हो जाएगा? वाकई में ये आकलन नहीं कर पाए थे? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। जो भी लोग बोल रहे हैं वो अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं जो लोग डिसीजन मेकर हैं उनके पावर को असेस करने में। हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन थे लेकिन सीक्रेसी क्लॉज के कारण ये किया गया, और आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, और यही कारण है कि सरकार डायनेमिक सिचुएशन में है और रिएक्ट कर रही है। लेकिन संजय झा जी ने जो कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की काफी बड़ाई की, उस पर मैं दो तीन शब्द बोलना चाहूंगा क्योंकि बड़ा अर्जेंट है। ये सुनिए सुदेश वर्मा जी, ये बताइए सुदेश वर्मा जी, ये बताइए सरकार से, सत्तारूढ़ पार्टी से देश ये जानना चाहता है कि जिस टीम ने यह फैसला लिया था, अगर उसको यह अनुमान था कि इस तरह की लंबी कतारें लगेंगी, तो उन्होंने क्या समाधान इसका निकालने की तैयारी की है? आने वाले दिनों में 50 दिन कैसे मुश्किलों से निकलने वाले हैं? अगर ये पूरा देश बोल रहा है तो आप बताइए कि वो मुश्किलें नहीं आने वाली हैं कैसे? मीना जी मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, शहरों में कतारें छोटी हो गई है। मैं खुद गया था SBI के ATM में, वहाँ 6 लोग ATM में खड़े थे, जो एक नॉर्मल कतार है। इसको रूरल एरिया में भी एक्सटेंड किया जा रहा है, वहाँ भी शांति हो जाएगी, कतारों से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा वक्त लगता है, पहले ही बताया गया कि कठिन डिसीजन लिया गया है, मोमेंटस डिसीजन लिया गया है, जो भारत के सोचने के ढर्रे को भी बदलेगा कि हर चीज़ कैश में ही क्यों हो, क्यों नहीं हम ईमानदारी के साथ बिजनेस करने की कोशिश करें। एक नया प्रक्रिया जो युवा चाहता है उसके निर्माण की बात हो रही है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको इतने हल्के में ना लिया जाए। हम लोग डिबेट करके इस डिसीजन के इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद ही क्यों ना हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मैं बता रहा था, मुझे बोलने दीजिए, वो हर समय आके कांग्रेस को बचाने की कोशिश किए हैं अपने ईमानदारी की साख को लेकर। आज कांग्रेस जिस चढ़ी हुई है ब्रिक्स के ऊपर, वहां से उतरने का रास्ता इन्हें नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्हें पता है लोग इनके साथ नहीं है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले आए, इतना बड़ा चार्ज डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट होकर लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया 10 साल, उन्होंने क्या किया? पूरा डिमांड नीचे चला गया था, जो डिसीजन कोई ले नहीं सकता था क्योंकि डरते थे लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करते थे, वो हमने लिया। सराहना होनी चाहिए, पब्लिक की सराहना होनी चाहिए कि इन अपोजिशन पार्टी पता नहीं किसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मोदी जी के सर्वे को, छोड़ दीजिए आप। अरे संजय जी सुन लीजिए, संजय जी मैंने सुना आपको, ना सुनने का धैर्य रखिए, नहीं तो मैं भी आपको टोकूंगा, आप भी नहीं बोल पाएंगे। अरे छोड़िए, तैयारी मत कराइए, आप जाके बैंकिंग सिस्टम संभालिए। आपको देश के बारे में क्या पता है? आप तो बैंकिंग सिस्टम से ऊपर उठ ही नहीं पाए। नौटंकी, हमारी पार्टी डॉक्टर मीना जी जो इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप लोग को आपको समझ क्यों दिल्ली बच रहा है? अरे सुन तो लीजिए, आपको समझ अरे सुन लीजिए, डॉक्टर संजय झा सुन लीजिए, आप बैंक से बाहर गए नहीं है, आपको क्या पता है देश के बारे में? देश के बारे में आप कितना जानते हैं? हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, चिल्ला रहे हैं, जुड़ी हुई पार्टी है। सुदेश वर्मा जी और संजय झा साहब, सुदेश वर्मा जी और संजय झा साहब, मैं दोनों से निवेदन करती हूँ कि जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए,
और डिबेट की गरिमा को बनाए रखी है। मैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक साहब आपके पास आना चाहती हूँ। वेद प्रताप वैदिक साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब उदारीकरण का दौर आया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके अगुआ थे, उस समय भी इसी तरह का विरोध हुआ था, आज भी विरोध हो रहा है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था तब भी विरोध हुआ था। क्या हमें इस रूप में इस ऐतिहासिक फैसले को देखना चाहिए या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो चेतावनी दे रहे हैं कि 50 दिन बड़ी मुश्किल से निकलने वाले हैं, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए और समाधान करना चाहिए? आप एक बात बताइए मीना जी, मुझे कंप्लीट करने। मैं वैदिक साहब से जवाब लूंगी, प्लीज बोल रहा हूँ। वैदिक साहब जाके बात करने हुए शास्त्री, वैदिक साहब बोलिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं, लेकिन एक मंजे हुए अर्थशास्त्री भी रहे हैं। उनकी राय को हम एक झटके में दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वो जो कह रहे हैं उस पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि निर्णय तो नरेंद्र मोदी का बहुत क्रांतिकारी था, बहुत बुनियादी था, और जितने पिछले बड़े निर्णय हुए हैं उनके मुकाबले ये ज़्यादा बुनियादी निर्णय था। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे आपातकाल हो, चाहे कई और बड़े निर्णय जिनके जिक्र करूंगा बेकार समय खराब होगा, उन सब निर्णयों के मुकाबले ये निर्णय सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, निर्णय लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसको ठीक से लागू करना है जी। दुर्भाग्य यह है कि इस निर्णय को लागू करने के लिए और इसके लागू करने में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, व्यावहारिक समस्या क्या आएंगी, लगता है उसके बारे में कोई विचार हुआ ही नहीं है। इसीलिए आप देखें कि रोज नई नई सुविधाएं दी जा रही है, एक अच्छी बात है। ये मालूम पड़ता है कि सरकार काफी लचीली है, वो अपनी गलती दिल से मान रही है। बार बार मोदी जैसा आदमी, लोह पुरुष से भी बड़ा लोह पुरुष समझने वाला, खुद को और दूसरे उसको ऐसा समझते हैं, वो आदमी बार बार आंसू भर के अपनी बात कह रहा है। क्यों बार बार आंसू आ रहे हैं? क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई बड़ी गलती उससे हो गई है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये अच्छे लोकतांत्रिक नेता का या शासन का प्रतीक है कि उनको अपनी गलती महसूस होती है। और अगर वो गलती महसूस कर रहे हैं और वो एक बेहतर ढंग से इसको लागू कर दें तो गजब हो जाए। देश के लोग बगावत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये नरेंद्र मोदी ने किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर ये नहीं शुरू किया है, ये काले धन को खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए आम आदमी तकलीफ भुगत रहा है लेकिन सह रहा है जी, बगावत नहीं कर रहा है जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि विरोधी दलों को भी अभी अभी कैबिनेट की तस्वीरें भी आ रही है, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की अभी बैठक बुलाई थी, ई बैंकिंग को बढ़ावा देने की इसमें बातें हो रही है कि ई बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही अमेंडमेंट होगा टैक्स लॉ में, ये सारी चीजें इस कैबिनेट की मीटिंग में सामने आई है। लेकिन सुदेश वर्मा साहब, आपको बड़ा गुस्सा था कि संजय झा बीच में बोलते हैं। संजय झा प्लीज आप मत बोलिएगा, मैं लेकिन सुदेश वर्मा साहब आप ये बताइए, एकदम स्पष्ट शब्दों में ये बताइए, आज जो कुछ एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर कि आरबीआई के बोर्ड ने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, आरबीआई बाकायदा इसमें शामिल थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगता है आरबीआई, वित्त मंत्रालय और पीएमओ तीनों की विफलता है ये। अगर इतना बड़ा फैसला इस तरह से लिया गया तो ग्राउंड पे स्थितियां इतनी खराब क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने पूर्व प्रधानमंत्री की चर्चा की है, इतना दूसरे चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता, तूने प्रधानमंत्री ही बुला रहे थे? नहीं, वो सुनिए ना, दूसरे चरण पर कांग्रेस के प्रवक्ता उन्हें प्रधानमंत्री ही बता रहे थे। मैं आपको बताऊं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरे अरे सुन लीजिए, बात कर रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट ही करूंगा मीना जी, टू द पॉइंट करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है उनके रेजिम में क्या हुआ था, उनके रेजिम में स्कैम ही स्कैम हुए थे, इन्होंने कभी सुधारने की कोशिश, मुझे ये सवाल का जवाब नहीं चाहिए आपसे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिजीम में क्या हुआ था, हमें ये जानना है इस रिजीम में जो कुछ हो रहा है वो बेहतर कैसे होगा, आज जो कतारें लग रही हैं वो कब मिटेंगी, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, 50 दिन संकट की नहीं हो। देखिए
देखिए, अब मैं ये नहीं मानता, डॉक्टर वैदिक जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि गलती का एहसास हो रहा है। एक डायनेमिक सिचुएशन जब होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो आपको पता है कि जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज करता है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इंडिया इतना बड़ा सोसाइटी है, इतनी बड़ी आबादी है, तो जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज करता है, सरकार डेली बेसिस पर रिएक्ट कर रही है। आपको तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अली अनवर साहब, अली अनवर साहब सब कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बोलना कोई नहीं मानेगा इसको। जी अली अनवर साहब, बहुत संक्षेप में बताइए, ये 50 दिन पहले चुप हो तब ना। जी ये 50 दिन बड़े मुश्किल से निकलने वाले हैं, आपको भी बिहार की जमीनी हकीकत देखकर ऐसा ही लगता है? देखिए मीना जी, 50 दिन क्या, जो गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जो गांव का खेतिहर मजदूर है, जो किसान है, जिसकी फसल की रबी की बुआई नहीं हो रही, उस पर तो 5 दिन भारी पड़ने वाला है। 50 दिन तो छोड़ दीजिए, 50 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 5 दिन ऐसे लोग लाइन में खड़े हैं, और 10-11 तो आपके बैंक के कर्मचारी मर गए, कई लोगों का हार्ट फेल हो गया, बैंक जी, में कई लोग मर गए। बहुत तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा, वक्त की कमी है मेरे पास, समय की सीमा है, लेकिन आने वाले दिनों में लगातार इस विषय पे बहस बनी रहेगी। कल भी संसद में सिर्फ यही मुद्दा रहने वाला है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक विपक्ष अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री कब बोलेंगे इसका आज तो कम से कम, हालांकि सुबह कहा गया था कि वो जवाब देंगे, लेकिन शाम आते आते प्रधानमंत्री वापस नहीं आए और विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। बाकायदा ये कहा गया कि सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कहें कि आखिर जाकर वही हुआ जो पिछले 6 दिनों से 7 दिनों से संसद में हो रहा है। बहरहाल अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे देश की एक और सफल बेटी से, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देश के निर्माण में अगर मीडिया की भूमिका है तो उसे जिम्मेदारी से निभाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, और बार बार कहते हैं कि देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। तो आज आपको मिलवाते हैं कोलकाता की आयशा नूर से। कराटे में ब्लैक बेल्ट आयशा पर हाल ही में इंटरनेशनल टेलीविजन सर्विस ने गर्ल कनेक्टेड नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसको लॉस एंजलिस में रिलीज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीत चुकी ये बेटी 6 साल की उम्र से कराटे सीख रही है, और अब दूसरी बच्चियों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। 10th क्लास में पढ़ने वाली आयशा कोलकाता के स्लम एरिया में रहती है, माँ कपड़े सिलाई करती है। भविष्य में कराटे का कोच बनने का सपना देखने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, Facebook पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेशी टीम की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।